देवी श्री लाल भाई फूलभाई माताजी मंदिर परिसर में पुलिस विभाग द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का पालन करते हुए सभी त्योहार सद्भावना भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात कही गई। इस मौके पर उन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लोवंशी, नायब तहसीलदार सरदार मंडलोई, चौकी प्रभारी अनिल जाधव, सरपंच शांतिलाल चौहान सहित आयोजक एवं शांति व सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में उन थाना ने भी बताया कि छोटे से लेकर बड़े सभी आयोजनों के लिए खरगोन SDM कार्यालय से परमिशन लेना अनिवार्य होगी। आचार संहिता का पालन करते हुए नवरात्रि पर कार्यक्रमों का आयोजन करें, सभी त्योहार हर्षोल्लास से मनाएं। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा भी आने वाले त्योहारों को लेकर अपने अपने सुझाव व विचार व्यक्त किए गए। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। 10 बजे तक आप गरबा खेल लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 बजे से 10 बजे इसमें 10:30 बजे सब आधा घंटा रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, उसके फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर FIR होगी 188 का, आदेश का पालन करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिए कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे रात तक किया जाए, इसके बाद यदि कोई करता तो उसके ऊपर 188 का मुकदमा दर्ज होगा। आपको नियम सारे फॉलो करना है, इसलिए अभी क्या है कि आचार संहिता का बहुत सारे जीवी जेल और बहुत सारे CFC है, बहुत सारे शिकायत निवारण कंट्रोल रूम स्थापित है, जो बेवजह किसी ने फोन लगा दिया कि साहब यहाँ पे ये उल्लंघन हो रहा है, इसका उदाहरण नियम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए, इसके बाद फिर शिकायत आती है, फिर क्या है कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि बेवजह आपको परेशान करें, इसलिए अपन हमें सब नियम से चलें तो बढ़िया है, शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं और बढ़िया से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।